देख रहे हैं सुवर्णा न्यूज और मैं सुगना। पब्लिश होने के पहले ही दिन 1 लाख से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई हैं इस बुक की और पढ़ने वालों की लिस्ट में नंबर 1 में शामिल हो गई है ये बुक। अभी आप सब देख रहे हैं इस बुक का कवर फोटो। जी हाँ, इस कवर फोटो में एक बुजुर्ग आदमी का फोटो है। इस बुजुर्ग आदमी का और मास्तीगुड़ी का क्या संबंध है देखते हैं। चलिए, इस बुक को लिखने वाली रानी जी आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। थैंक यू। नमस्ते। ही इज द मैन बिहाइंड द टाइगर्स। शेरों का अंत करना हो या फिर जंगल को काटना, इन बातों को सुनते ही वो अपना आपा खो बैठता है। एक शेर का शिकार करेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा और 1 करोड़ में हमारा बेल हो जाएगा। अपने लोगों से कहो एक शेर को मार कर लेकर आए। मंदिर में पैदा हुआ हूं। देवी मास्ती माँ के गोद में शेरनी का दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूं। शेर का शिकार करना कभी सपने में भी मत सोचना, वरना मैं तेरा ही शिकार करके तेरी छाती चीर कर देवी मास्ती माँ के चरणों में तेरा खून चढ़ा दूंगा। शेर हूं मैं। बुढ़े, हवा मत दिखा। ये हवा मौसम की तरह बदलने वाली हवा नहीं है, खून में ही ये हवा शामिल है। जब से पैदा हुआ हूं तब से मेहनत के पसीने में दिखती है, और इतना ही नहीं, दुनिया की सारी माताओं का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। ये हवा जिंदगी मिट्टी में मिल जाने के बाद भी रहेगी। मुझे आने के बाद मियाओ कहने वाली बिल्ली शेर नहीं बन जाती।
My God, क्या वो इतने खतरनाक हैं? He was a very nice man, very interesting too. Ma!
मामा क्या हुआ? आप इस तरह शोर क्यों मचा रही हैं? आपको ऐसे चिल्लाते मैंने कभी नहीं देखा। आखिर हुआ क्या है? मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे मास्टी के मंदिर में जाना है। ओहो, चलिए मास्टी को बुलाओ। हाँ मैं लेकर आता हूँ उसे, आप यहीं पर बैठिए। हे मास्टी, हे भीमा माँ बहुत जोर से तेरा नाम पुकार रही है, मेरे साथ जल्दी चल। माँ को आवाज देते थे तब मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज खामोशी। बोल रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नहीं बेटा, जोर से बारिश आएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। देखो बिजली कैसे चमक रही है। ओहो, और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है ना? चलो सो जाओ बेटा, जल्दी से सो जाओ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। Thank you.
मैं आप लोगों को जंगल में रात के समय घूमने से आखिर क्यों मना करता हूँ? क्योंकि शेर भी इंसान से डरता है और रात के अंधेरे में उस पर हमला कर देता है। मौतें उसकी वजह से होती हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की वजह से हुई हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ पता चलता है ये मौत शेर की वजह से हुई है। साहब, आप कह रहे हैं कि उसे शेर ने मारा है? बिल्कुल नहीं, उसे भूत ने मारा है। इस जंगल में बचपन से हम ऐसा देखते आ रहे हैं। आपको यहाँ आए अभी थोड़े ही तो दिन हुए। शांत रहिए, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो आप सब यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल नहीं कर रहे होते। जाइए यहाँ से, सब लोग अपना काम कीजिए। जब किसी दिन वो भूत आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा ना, तब पता चलेगा आपको। चलो भाई, चलो रे। कब आएगी इन लोगों को अकल? बॉडी इनके घर वालों को भिजवा दो। ठीक है सर। वाह। नमस्ते साहब। क्यों परमेश्वर, तुम्हारी ड्यूटी मैं पूरी करूं? तुम्हें अकल नहीं है जरा भी? साहब, कल ड्यूटी करके घर जा रहा था, उसी रोज के रास्ते से। अरे वही साहब, जंगल के रास्ते से, वही पुराना। तभी रास्ते में मुझे कुछ अलग सी आवाज सुनाई दी साहब। मेरी माँ की कसम, आसपास मैंने घूम कर ध्यान से देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। वहाँ कुछ भी नहीं था सर। मुझे लगा ये मेरे मन का वहम है। ये सोचकर एक कदम आगे बढ़ाया था कि सर करके एक पेड़ अचानक से मेरे आगे गिर गया। मुझे लगा मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, ये सोचकर डर गया। तभी अचानक क्या हुआ कि एक सफेद बाल वाला आया और उसने पेड़ को हिलाया डुलाया और फिर उस झुके हुए पेड़ को पहले थोड़ा सीधा किया, फिर एकदम सीधा कर दिया। वो कोई और नहीं था, भूत था सर। ए, बस बहुत हो गया, बाकी सब लोग कहाँ गए? दक्षिण साइड के जंगल में आग लगी है, वहीं पर सब लोग गए हैं सर। बेटा चलो चलते हैं, तुम्हें वुडलॉक्स दिखाता हूँ। ये कर्नाटक का सबसे बड़ा लकड़ी भंडार है। ये लकड़ियाँ साल में एक बार नीलाम होती हैं। जंगल के बहुत सारे पेड़ अपने आप गिर जाते हैं, डेड ट्रीज, उन सबको यहाँ लाकर हम स्टोर करते हैं। इससे सरकार और यहाँ के लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। उस तरफ भी बेबी, देखो देखो उधर देखो। हे रेंजर साहब, खड़े हैं। रोना है। मैसूर के मेले में जिस हाथी को हाँका जाता है ना, ये वही है। वाओ। और वो ऊपर जो बैठा है वो मास्ती है, गार्ड है वो। और वो जो साथ में चल रहा है, मदया, महावत है, एन एक्सपर्ट इन फॉरेस्ट। नमस्कार साहब। नमस्ते। कैसे? अच्छा हूँ साहब। मादया, ये मेरी बेटी है, माय ओनली प्रिंसेस। नमस्ते। अरे क्या कर रही हैं आप, मेरे पैर क्यों छू रही हैं? लंदन से आई है और अब ये यहीं रहेगी। ओहो, इसे जंगल पहाड़ बहुत पसंद है। हाँ। आपको इसे सब दिखाना होगा। जी बिल्कुल दिखाऊंगा, आप चलेंगी मेरे साथ? आओ बेटा, अब हम चलकर द्रोणा से मिलते हैं। आइए चलिए। Wow, द्रोणा, so cute. नमस्ते करो। चलो चलो चलो, नमस्ते जल्दी से करो। ये हुई ना बात, हमारे साहब की बेटी है, अच्छी तरह से पहचान लो। मस्ते। हाँ सर। भीमा की आंखों के लिए कोई दवा मंगाई थी ना तुमने? हाँ सर। आओ मेरे साथ, मैं देता हूँ।
रानी डोंट वरी, इट मे बी अ डेड ट्री। माय गॉड, शिट, पेड़ गिरेंगे, जो नहीं होना चाहिए वो होगा। आंखें तो ठीक हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं। भगवान के अच्छे दिन चल रहे थे, अब शैतान की शुरू। मैयप्पा का बेटा मर गया, लेकिन गलत दिन मरा। अब से 3 अमावस्या जाने तक मैं काजल नहीं लगाऊंगी। क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ के लोग अब चैन से सो नहीं पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के लोगों का आगे क्या होगा, हम जिएंगे कैसे? ये तो वक्त ही बताएगा, इंतजार करो। ए मास्ती। हाँ बोलिए। चलो हाथी के पास चलते हैं। ठीक है। मास्ती, तुम मेरी जान हो, तुम्हारी खुशी के लिए हर मिनट मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हर जन्म में तुम्हारे लिए ही जन्म लेकर आऊंगी। तुम्हारी गोद में मैं एक बच्चे के जैसे रहूंगी। हमारे मरने के बाद भी ये ब्रिज ऐसे ही रहेगा? जब तक ये दुनिया है ये ब्रिज ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, इस ब्रिज पर हम दोनों का नाम लिखो। मैं, तुम, हमारा प्यार, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी दी हुई यादें, सब कुछ अंत तक परमानेंट रहना चाहिए, इस ब्रिज के जैसे। मास्ती, मास्ती कहाँ हो तुम? भव्या, मैं नीचे हूँ। नीचे क्यों गए, पहले ऊपर आ जाओ। आता हूँ, रुको, हम दोनों का नाम इस ब्रिज के नीचे लिख रहा हूँ। मेरे नाम के बगल में रहने वाला तुम्हारा नाम किसी के पैर के नीचे नहीं आना चाहिए ना। तुम्हारे नाम से ही मेरी सांसें जुड़ी हैं। आई लव यू मास्ती। मास्ती, तुम्हारी बाहों में मुझे हमेशा ऐसे ही रहना है, सीप के अंदर जैसे मोती रहता है वैसे ही। शेर को छेड़ेगा नहीं। सब लोग सुन लीजिए, कोई भी पास नहीं आएगा।
और जैसे ही मैं कहूंगा सब लोग जोर जोर से आवाज करने लगना, बाजे बजाना। हाँ पापा, जब तक मैं ना कहूं बजाना मत। हाँ हाँ। बजाइए बजाइए बजाइए, जोर जोर से बजाओ बजाओ सब लोग, और जोर से। राइट टाइम ऑफिसर, थैंक यू। उसे मैंने कहा था ना कि मैं उस शेर को पकड़कर जंगल में सही सलामत छोड़ दूंगा। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो इस गांव में क्यों आया था पता है आपको? क्योंकि उनके जंगलों को हम ही लोग तो बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वो इस गांव में आया था बस। मैं उस चीता को नहीं मारता तो वो चीता तुम्हें मार देता। क्या उन जानवरों को हमारी तरह जीने का कोई हक नहीं है सर? बस हो गया, अगर उस चीते की जगह तुम मारे गए होते तो उसका जवाब मुझे देना होता, तुम सबको नहीं। जाओ यहां से। बचाने वाला ही जान लेता है, इसका कोई अंत है भी या नहीं? कितना अच्छा आदमी है ये। कैसी हो बेटी? दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो हो, इसमें सब कुछ कितना नजदीक दिख रहा है। बेचारा। हाँ। जब वो चीता मरा था तो बच्चे जैसे रो रहा था। वो ऐसा ही है बेटी, जंगल का कोई जानवर मरे तो वो रोता है, पेड़ गिरे तो रोता है। इस जंगल में अगर कभी किसी को कोई तकलीफ हो तो उसे तकलीफ होती है। Good human. But, क्यों रोना दादाजी? बेटी, हम सब जो जी रहे हैं इन सब पेड़ों की ही वजह से ना। अगर इन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो हम सब तो दुखी होंगे ही ना। बेटी तुम तो पढ़ी लिखी हो, हमारी भावनाएं समझ सकती हो। दादाजी you're so cute. अच्छा दादाजी, हाँ। इस जंगल में शेर, चीता, हाथी, सिंह, बंदर सब है ना? हाँ हाँ। पापा ने कहा था कि इस जंगल में शेर बहुत ज्यादा है। हाँ? आप लोग ऐसे फ्रीली घूमते हैं, आपको डर नहीं लगता? बेटी। हाँ? हम में जितना डर होता है उससे 10 गुना ज्यादा वो जानवर हमसे डरते हैं। हाँ? और हम में जितनी हिम्मत होती है उससे 100 गुना ज्यादा उन जानवरों में होती है। हाँ? हाँ? और इस जंगल में शेर तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार होते हैं। अच्छा छोड़ो, मैं कुछ दिखाता हूँ।
हाँ तो बैठो। ऐसे मैंने मिट्टी ली और इसे ऐसे उड़ा दिया। हवा का बहाव किस तरफ है? उस तरफ। इस तरफ है ना, तो हमें सामने की तरफ जाना है। पूछो क्यों? क्यों? हमारी महक से वो दूर भाग जाएंगे। वाओ, ग्रेट साइंस दादाजी। So my dear people, save our forest, save our tigers and save our animals. Please, please, please. This is my order. अब क्या हुआ बेटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दादाजी, कुछ भी नहीं हुआ। जानवरों को बचाना है ऐसा कह रही हूँ। दादाजी, एक सवाल है। वो कौन है? आपका बेटा है क्या? सन 1970 की बात है। मैसूर के दशहरे मेले में मैं अपने जंगल से हाथी लेकर गया था। मेले में तमाशा दिखाने के बाद मैं अपने हाथी को बांधने की जगह पर लेकर गया, तो मैंने क्या देखा कि एक बच्चा हाथी की पूंछ से खेल रहा है। मैंने डर कर उसे उठा लिया। आसपास देखा, कोई नहीं था। मैं समझ गया कि इस बच्चे के माँ बाप नहीं है। ये बच्चा दशहरे के मेले में हाथी के पास खेल रहा था। उस बच्चे के मुंह पे एक मार, बंद कर देगा रोना वो। सुनिए साहब, क्या है? इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मैंने अपना पता रजिस्टर में लिखवा दिया है। इसे ढूंढते कोई आए तो बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, निकलो यहाँ से। फिर मैं उसे वहाँ से ले आया, अपने बेटे की तरह पाला। अब वो जवान हो गया है। गुड गुड दादाजी। आओ बेटी, आओ। इसे क्या हुआ? कौन है? अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? ए भाई, ए सुनो, क्या है ये? राजा बहुत बड़ा है। और ये नीचे कब आया? ये हवा में खूब उड़ता है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। जाता हूँ, तुम जाओ। दादाजी, कौन है ये? अरे पागल है बेटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। एक फोटो ले लो। ले लो ले लो। और भी कुछ दिखाओ बेटी, देखोगी? दिखाता हूँ तुम्हें कुछ, अभी देखो। इसमें फूंक मारूंगा तो ये जमीन की तरफ देखेगा। अब देखना, ये ऊपर देखेगा। और अब एक नया तमाशा दिखाता हूँ तुम्हें। दादाजी दादाजी, मैं करूँ? हाँ करो। अरे पागल, तुमने सच समझा क्या? यहाँ कोई शेर वेर नहीं आया है, तुम्हें नहीं खाएगा, जाओ। खा लिया तो? अरे शेर को कोई काम धंधा नहीं है जो तुम्हें खाएगा। इसे खा लिया तो? लड़की को नहीं खाता वो। हाँ मैं जाऊँ? हाँ जाओ ना। मैं जाऊँ? ये लो, ये रहा तुम्हारा जहाज। सुनो, अरे ये क्या है? रास्ते में कहीं मिला होगा, इसने उठा लिया। पागल भी क्या क्या करते रहते हैं। ए मास्ती! क्या पापा? ए बांध मत, सवारी करते हैं। ओह हाँ, इसे नहलाना भी है ना। आप ही चढ़िए इस पर पापा। पहले मैं ही चढ़ूं क्या? ये लोहा किस लिए पापा? अरे उस पागल ने गिरा दिया था, सोचा रास्ते में मिलेगा तो उसे दे दूंगा, लेकिन वो मिला ही नहीं। तुमने कहीं उसे देखा द्रोणा? ये क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। Thank you.
ऑफिसर की बेटी शायद इसी के बारे में बात कर रही थी। ओ आप, ये क्या है? जॉ ट्रैप, ये आपको कहां से मिला? हाँ, उस दिन मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। इसी में शेर। हाँ हाँ, breathe breathe। हाँ, this is a jaw trap। ये शेर है ना, कि बहुत इंटेलिजेंट प्राणी है, extremely इंटेलिजेंट। जानते हो, अपनी टेरिटरी में ही रहता है, जिस रास्ते से जाता है उसी से वापस भी आता है। इसलिए ये सब शिकारी उन शेरों के पैरों के मार्क्स, पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान देखकर इस जॉ ट्रैप को फिक्स करते हैं। जॉ ट्रैप में पैर रखते ही ये लॉक हो जाता है और फिर विद इन नो टाइम वो उसे बेरहमी से मार देता है। बेचारा, दैट्स व्हाट पापा सेज। आपके पापा घर में हैं? हाँ, वो अंदर हैं। वो पागल है ना, उसे कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। मर जाएगा। हम शेर को मार कर उसकी चमड़ी बेचते हैं। खबरदार अगर तू बीच में आया।
अब देखना वो बाहर आके सबसे क्या बोलेगा कि इसे भूत ने नहीं मारा है, शेर ने मारा है इसको। इसे किसी भूत ने नहीं मारा, इसे शेर ने मारा है। हंस क्यों रहे हो तुम, जाओ यहां से। अब चलो हो गया, जाओ तालाब के पास जाकर मछली पकड़ो। हाँ चलो ठीक है। अब तक तो शेर ने किसी की जान नहीं ली थी। हाँ और नहीं तो क्या। दादाजी 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 मुझे शॉपिंग करना है, मेरे साथ टाउन चलेंगे प्लीज, चलें। हाँ ठीक है दादाजी। बेटा इन्हें खरीदारी करनी है, बाजार जाना है इन्हें। हाँ चलो 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 आ जाओ बेटी। वेलकम एवरीबॉडी, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। एक दिन इस धरती को बंजर होने से बचाने की जिम्मेदारी हमारे इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर है। एट द सेम टाइम ये सामान्य जनता की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, पर कैसे? हमें उन लोगों को एजुकेट करना होगा। सेव टाइगर, हमारे घर में हम नल खोलेंगे तो पानी आता है, और ये पानी आने की वजह है शेर। स्ट्रेंज इजंट इट, बट इट्स ट्रू। सी द प्रेजेंटेशन, ये देखिए। शाकाहारी प्राणी जैसे हिरन, खरगोश, हाथी, जिराफ, भैंस एक्सेट्रा, और कार्निवोर्स, दे ईट मीट, मतलब मांसाहारी प्राणी। ये शाकाहारी प्राणियों की शिकार करके इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, लाइक लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड। अमंग दीज द मेजर एनिमल इज आर टाइगर। स्पेशली मंगोलियन कंट्रीज में शेर का मांस, हड्डियां, चमड़ी, हर एक चीजों का बहुत बहुत डिमांड है। इसलिए शिकार करने वालों की वजह से टाइगर्स की संख्या कम होती जाएगी और हमारे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये प्राणी हमारे पूरे जंगल को खाकर खत्म कर देंगे। दे विल कम्प्लीटली फिनिश ऑफ द ग्रीनरी ऑफ द फॉरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ आर टाइगर्स। तब हमारा पूरा जंगल वीरान हो जाएगा। जब बारिश होती है तो बारिश का पूरा पानी सीधे सीधे धरती में समा जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है। वो बारिश का पानी नदी तक पहुंचने तक अपने साथ सारी मिट्टी लेकर जाएगा उस नदी तक। उस नदी का पानी पूरे जलाशय को डाइवर्ट करते वक्त उसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और पानी की मात्रा कम हो जाएगी। देन स्टार्ट स्कैर्सिटी ऑफ वाटर फॉर बोथ फार्मिंग एंड ड्रिंकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जंगल को बचाओ, प्राणियों को बचाओ, हमारे टाइगर्स को बचाओ, ये लोगों को समझाना होगा। मिस्टर मूर्ति, पर्टिकुलरली हमारे कर्नाटक में आपकी रेंज में टाइगर्स की संख्या ज्यादा है। अभी अभी वहां से शेरों की मिसिंग होने की बात हमारे कानों में पड़ी है। यू बेटर बी सीरियस, अदरवाइज आई माइट हैव टू टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट यू। मैडम, हमारे रेंज के सभी ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ जंगल के लोगों का कहना है कि भूतों की वजह से शेरों की संख्या कम होती जा रही है। What rubbish! भूत? जनता के अंधविश्वास को हटाकर उन्हें एजुकेट कीजिए। You can't be giving me stupid excuses like this. I expect more from my officers, okay? Especially from you. ए परमेश्वर। हाँ साहब। जरा किसी बार के पास रुको। जी बहुत अच्छा। ओहो दादाजी, टॉवल्स भी लेने हैं, दो मिनट। हाँ ले लो बेटी, ले लो। इसका बिल क्लियर हो गया है? हमारे साहब की बेटी है। बस दो मिनट दादाजी। इन्हें जो भी चाहिए दे दो, बार बार आना नहीं पड़ेगा। तो क्या है कि हम अंदर जंगल में रहते हैं ना, तो हमारे लिए यहाँ आना पड़ा। पापा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे दादाजी। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ बेटी, तुम्हें तो तौलिया लेना था ना। मस्ती कहाँ है, उसे ढूंढिए जल्दी से। चलिए जल्दी चलिए। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, ओ, 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 ओ
मैडम ये सारे कवर शॉप में ही छोड़कर चली आई थी। भाव्या नाम की लड़की उसे यहाँ छोड़ गई है। भाव्या? उसने कहा तुम्हारी फ्रेंड है वो। पापा इस नाम की मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तो फिर हो सकता है वो शॉप में काम करने वाली लड़की हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है पापा, मैं चलती हूँ। लिसन टू मी, दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू। फिर कभी तुम्हें उस लड़के के साथ घूमते हुए देखा ना, तो इसका अंजाम जो होगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा था? You have to go back to London. You better be serious, otherwise I might have to take serious action against you. जब किसी दिन वो भूत आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा ना, तब पता चलेगा आपको। साहब कोई आपसे बात करना चाहता है। कनेक्ट करो। हेलो 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 धनपाल। यस, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इट्स वेरी सीरियस, मैंने काफी पैसे एडवांस लिए हुए हैं। ये ऑपरेशन किसी भी हाल में होना चाहिए, समझ गए? आप तो जानते ही हैं मैं इसको लेकर बहुत सीरियस हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। मेरे सीनियर ऑफिसर को मुझ पर डाउट हो गया है, तो अब से शेर का शिकार करना जरा मुश्किल होगा। एक्चुअली अभी कुछ दिनों में ही गर्मियों का मौसम आ जाएगा, फॉरेस्ट कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। मेरी स्टडी के हिसाब से 72 पॉइंट्स में अगर आग लगा दी जाए तो पूरा जंगल ही जलकर राख हो जाएगा। उस आग से डरकर जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे वहां से, लेकिन समझदार जाने जाने वाला शेर यकीनन बैक वाटर के पास पहुंचेगा। इस जंगल में करीब 400 शेर हैं और उनमें से कम 300 शेर अपनी जान बचाने के लिए बैक वाटर के पास आएंगे। हमारे कम से कम 100 एक्सपर्ट्स बैक वाटर के पास उन शेरों के इंतजार में बैठे रहेंगे। उन सभी शेरों को मारने के बाद उन सभी मारे गए शेरों के नाखून, खाल, हड्डियां, मांस, इन सभी को अलग अलग करके कंटेनर में रखकर बैक वाटर के पानी के नीचे छिपा दिया। तो फिर डिपेंडिंग ऑन द डिमांड उन्हें लिफ्ट कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सर। उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सभी का कंसंट्रेशन आग को बुझाने में लगा होगा। इट्स अ ह्यूज एरिया, अपने ऑपरेशन में किसी का ध्यान नहीं होगा। इनफैक्ट इट्स अ सेफ गेम, इन सबसे पहले उस मास्टी की मौत हो जाएगी। हाँ बहुत जल्द मैं इस प्लान को एक्शन में ले आऊंगा। वी हैव टू अचीव इट। गो अहेड। थैंक यू। Thank you.
सरकार तुझे इसलिए खाना दे रही है ताकि तू इस जंगल और यहाँ के प्राणियों को बचाए, लेकिन तू इस जंगल और जंगल के प्राणियों को मारने का प्लान बना रहा है। तू एक एक करके अपने आदमी भेजेगा और मैं उन्हें मारता चला जाऊंगा। सरकारी काम को भगवान का काम कहा जाता है, मगर ऐसी सरकार में तुझ जैसे अधिकारियों को जीने का कोई हक नहीं होता। तुझ जैसे इंसान का अंत होना ही चाहिए। जब किसी बेजुबान जानवर को तुम मारते हो तो उन्हें कितना डर लगता होगा जानते हो? वही डर आज मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। जब मौत सामने होती है तो कैसा लगता है जानता है तू? जरा देख अपने आप को, डर से कैसे कांप रहा है। मौत 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 के आते ही तेरी घबराहट शुरू हो गई ना। आज मैं तुझे वो मौत दिखाऊंगा। चलो ऊपर चढ़, और ऊपर। आज तू मरेगा, सीधा खड़ा हो, तुझे धक्का मारता हूँ। खड़ा हो जा, आजा। ये तो सच में चमत्कार है, वो यहीं पर से गिरे हैं। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार उनके बॉडी पर कोई भी धक्का मारने वाला प्रेशर पॉइंट्स नहीं है। वो मरने से पहले बहुत भागे हैं और उनके शरीर में अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जिस जगह पे हत्या हुई वहां पे दो लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। एक जिस व्यक्ति की मौत हुई है, यानी आपके पिता, और दूसरा आपका। एनी क्लू? उस तरफ क्या है? मुझे उस तरफ से एक आवाज आई, मैंने हर तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। उसके अलावा सा मैं और कुछ भी नहीं जानती। पापा की मौत की वजह से मैं सदमे में हूं सर। नो मोर क्वेश्चंस। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आप इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। You have to surrender your passport. बेटी, मौत कहां पर नहीं है, हर जगह तो मौजूद है। हाँ, तुम्हें इसका सामना करना होगा, जीना होगा, सब कुछ भूल कर। हाँ बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं गए। ना ना बेटी, हम सब हैं ना यहाँ, पूरे गांव वाले हैं तुम्हारे साथ। रो मत बेटी, रो मत, तुम हिम्मत से काम लो। हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, पहले उसे खत्म करना है,
अपने आदमियों को एक एक करके वो मारता जा रहा है। इस बार उसने हमारे मेन आदमी को ही मार दिया, लेकिन ये हमारे लिए चेकमेट नहीं होगा। वो ताकतवर है, ये बात आरएफएम मूर्ति ने मरने से पहले ही बताई थी। कंसाइनमेंट पूरा करेंगे ये बात बोलकर हमने एडवांस भी ले लिया है। वी शुड टेक हिम सीरियसली। ऑफ कोर्स, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा बिना गोली की आवाज के उसका दिल खामोश हो जाएगा। जिसने भेजा है उसे जाकर बोल, उसे मारे बिना मैं नहीं रहूंगा। रुको, अभी यहाँ पर जो हमारे अधिकारी आने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा उन्हें बहुत पसंद है। बजा 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 बजा। मुझे ये हार पसंद नहीं है, आहार पसंद है। हे, इन आडंबर और दिखावों में मैं नहीं आता, इन्हें मेरा जूता रास आता है। हरियाली मेरी सांस है, जल को बचाओ, जंगल को बचाओ। सरकारी काम को ऊपर वाले का आशीर्वाद समझने वाला ये निष्ठावान सीनियर अधिकारी है जय सिंहा। ए मोटू, एक हार तो इस आदमी ने खराब कर दिया। बड़े साहब आएंगे तो उन्हें क्या पहनेंगे, क्या करेंगे हम, बताओ। अरे मैं क्या करूं नारायण, मैं साहब को लेने के लिए बस स्टैंड पर गया था, वहाँ पर ये आदमी अकेले खड़ा था। अब इसने ऐसी ड्रेस ही पहनी है कि मैंने इसे साहब समझ लिया। मैंने जैसे ही साहब कहा ये कूद कर बोनट पर बैठ गया। अरे मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा था, कैसे भी गाड़ी चला कर लाया हूँ यहाँ। हाथ हटा, अब यहाँ तो बुलेट की आवाज आ रही है। देखो है, वो देखो साहब आ रहे हैं। देखो, आपके प्यार और विश्वास के लिए आप सबका धन्यवाद, मगर ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अपने इस इलाके में काम करते हुए हमारे आरएफ मूर्ति की अचानक मौत हो जाने के कारण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। क्यों नारायण स्वामी जी, सर टाइम पर पिकअप करने के लिए गाड़ी भेजनी है, ये आपको नहीं पता? सॉरी सर। आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं, दुखी मत होइए। बेटी बेटी यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं। अच्छा, पूछो बेटी, पूछो। दादाजी, आपके घर में जो बच्चा है वो किसका है? दरअसल मेरी बेटी पास वाले गांव के एक लड़के को चाहती थी, दोनों ने शादी कर ली। मैं अच्छी तरह जानता था कि लोग हमें जीने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने उन दोनों को बुलाकर कहा तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ, जब यह मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो वापस आ जाना। जब दोनों आए तो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। समाज के लोगों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। वो बच्ची मेरी नातिन है और उसके लिए मास्ती ही उसकी माँ है, उसका पिता है, सब कुछ वही है बेटी। यही है उस बच्ची की कहानी। दादाजी,
आपके घर में जो फोटो है उसमें जो लड़की है वो मास्ती की बीवी है क्या? और ये बताइए, मास्ती उससे बहुत प्यार करता था क्या? हाँ बेटी, यही दुनिया है, कौन किसे कब प्यार कर बैठे कौन जानता है बेटी। हाँ? ये लो, ओढ़ लो। लड़कियों को घूमते वक्त कपड़ों पर ध्यान रखना चाहिए। कमाल है, अरे ऐसे क्यों देख रही हो, थोड़ा हंसो ना। ठीक है अब जाओ यहाँ से, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया। प्यार का क्या मतलब है? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है। क्या होता है वो? पहले हम दोनों को शादी करनी चाहिए। और फिर? और फिर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए जी जी करके बुलाना पड़ेगा। फिर मुझे माता पिता को भुलाकर हमेशा तुम्हारे साथ ही जीना पड़ेगा। और तुम हमें माता पिता बन जाएंगे। ये ठीक है, एक तरह से अच्छा ही है। भव्या, ए भव्या, पहले हम शादी करेंगे। साथ ऐसे ही रहने का दिल करता है, मगर मास्ती मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? पिताजी और चाचा को हमारे बारे में पता चल गया है। आज तक मेरे घर के अंदर आकर, वो भी मेरे सामने आकर मुझसे इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। मैंने ये बात उसी दिन कही थी कि ये गली में घूमने वाला कुत्ता है, इसे ऐसे पाल पोस कर बड़ा मत करो। लेकिन अगर तेरी जगह किसी और ने ये बात अपने मुंह से बोली होती तो। मास्ती, तू इसका बाप है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ए, ये मेरी है, इस मास्ती की अमानत है ये। कल सुबह सूरज उगने से पहले ही इसके पैरों में पायल, हाथों में चूड़िया और मांग में सिंदूर लगाकर अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। बेटी के पति के पैर धोकर घर में बुलाना, ये आपकी संस्कृति होनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो फिर मंगलसूत्र पहनाते वक्त बीच में आकर दिखाना, वहीं पर एक एक को मार डालूंगा और समाधि बना दूंगा। चाचा, पिताजी, मैं मास्ती से बहुत प्यार करती हूँ पिताजी, प्लीज पिताजी। ये इस घर की बेटी है, इसीलिए ये हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे। कल ये लड़की मेरे घर में हंसते हुए आनी चाहिए। उसकी बजाय अगर इसके शरीर पर जरा सा भी मार का निशान मुझे दिखाई दिया तो तेरे भाभी के गले में रहने वाला ये जो मंगलसूत्र है ना, वो दीवार पर लटका हुआ दिखेगा। अभी तो ये उसके पास जाएगी, पर वहां से ये दोनों सीधा शमशान जाएंगे।
मेरा बच्चा पैदा हो गया होता तो मेरा तेरे प्रति प्यार कम हो जाता, इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की। अपने माता पिता की आंखों में आंसू देने वाली तुम्हारे जैसी औलाद नहीं देखी। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। चली गई। भव्या, नहीं भैया, तुम्हारे माता पिता और चाचा को मैं कुछ नहीं करूंगा। हमारी जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। उस घटना के बाद मास्ती खामोश हो गया। सब यही सोचते थे कि मास्ती हमेशा के लिए गूंगा हो गया, लेकिन मास्ती माँ की कृपा से वो ठीक हो गया। उसके बाद बेटी मास्ती को लगता है कि भव्या जिंदा है और इसी के भरोसे तो वो अभी तक जी रहा है। हाँ, गांव वाले भी यही कहते हैं। हाँ, कभी कभी उसे तो वो यहीं कहीं आसपास दिखती भी है। हम जंगल वाले सिर्फ दो ही बातों को मानते हैं, एक भगवान को, दूसरा भूत को। अपना मास्ती, ये मास्ती चला कहाँ गया? ए मास्ती, कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे? देखो मेरे साथ कौन आया है। ए मास्ती, अरे तुम यहाँ हो भी या नहीं हो? हाँ, बेटी तुम इस तरह से मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? बेटी क्या हुआ, अभी क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं दादाजी। बेटी तुम समाधि पर बैठी हो, उठो उठो, माफी मांगो। सॉरी। हाँ सॉरी। मास्ती यहाँ पर नहीं है तो हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ बेटी, मैं यहाँ पर जल्दी नहीं आता, कोई काम हो तभी आता हूँ। हाँ चलो।
क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो बेटा? और अकेली आई हो? मुझे माँ पिताजी चाहिए। जब मैं एक बार घने जंगल में जा रहा था, रास्ता कच्चा था और पगडंडी पतली थी। क्या हुआ? माता का वाहन कहाँ? सामने। अरे देख क्या रहा है, गन उठाना। अरे क्या कर रहे सर, आप ही लेफ्ट हैंड से शूट कर दो ना, आप तो इसमें एक्सपर्ट है। अरे दे 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 दे, ये तो इधर ही आ रहा है। क्या होगा, क्या करें? मैं क्यों आया, मैं किस लिए आया? अरे कोई बचाओ, हवा में गोली चलाइए सर, वो भाग जाएगा। ये क्या, शेर तो वापस जा रहा है। देखिए सर, शेर वापस जा रहा है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। अरे क्या कर रहे हो, शेर है, शेर है, जाओ जाओ, भागो भागो। सर शेर चला गया सर। वो चला गया? हाँ वो चला गया सर। तो मैं भी उठ जाता हूँ। पक्का वो मुझे देख के चला गया होगा, इसीलिए आपकी पैंट गीली हो गई। सर मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हा? चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं ऐसे ही चलकर चला जाऊंगा। अरे तुम ऐसे चल के क्यों चले जाओगे, मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली इसमें हमारी सेफ्टी है। आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, सर कह रहे हैं। मास्ती ने हमारे सभी आदमियों को बेरहमी से मार डाला है। मास्ती को हर हाल में मारना है, हर हाल में। देखिए, ये जंगल है, यहाँ सभी तरह की शक्तियाँ रहती हैं, इसलिए आपको होशियार रहना होगा। एक शेर एक करोड़, अप्रोक्सीमेटली लगभग 350 टाइगर्स तुम्हें देंगे 350 करोड़। ये है ऑपरेशन मास्ती गुड़ी। वी नीड ऑल योर सपोर्ट, स्पेशली आपकी मिस्टर आरिफो। हम जंगल के 100 पॉइंट्स में आग लगाएंगे तो कम से कम 350 शेर इस तालाब के पास आएंगे। हमारे 200 लोग वहां तैयार रहेंगे, यानी कि खेल हमारे हाथ में है। हैव अ लुक एट द क्लिपिंग।
कौन हो तुम? भव्या, क्यों पहचाना नहीं क्या? पहचान लिया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मास्ती को देखना है। हाँ ठीक है, बुलाती हूँ। पीमा माँ, आपको उसे बोलना चाहिए था ना दूसरी शादी करने के लिए। क्या हुआ दादी? देख लिया ना, जाओ। मुझे इससे बात करनी है। बात करो। अपने हाथों से एक बार खाना खिलाओगे? अरे कोई थोड़ा खाना लाकर दो ना इसे। जाओ, और कितनी देर तक इस बच्ची के शरीर में रहोगी तुम? जाओ। चाहती हूँ एक बात कहना है। एक बात, बस एक ही बात, नहीं तो बहुत पछताओगी। कुछ दुष्ट लोग इस जंगल को आग लगाने का प्लान बना रहे हैं। इस जंगल में रहने वाले सभी शेरों को मारने का प्लान बना रहे हैं। इस जंगल के रखवाले मेरे मास्ती को मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या? भगवान को मानते हो तो भूत को भी मानो। जंगल जाएगा, शेर भी जाएगा, उसके बाद नाश होगा, सर्वनाश होगा। जंगल को बचाओ, जंगल को बचाओ। कौन है वो? बेटी, हमारे गांव में एक लड़की पर भूत चढ़ा है साहब। वो बोल रही थी कि जंगल में आग लगने वाली है, सभी शेर मर जाएंगे और हमारा ये मास्ती भी मर जाएगा, ऐसा बोल रही थी वो। मालिक, हम नासमझ लोग हैं, हमें क्या करना है पता नहीं है। सरकार से बोलकर हमारे जंगल को बचा लीजिए, हमें इस जंगल में रहने का मौका दीजिए। इंसानों में भगवान का आना, भूतों का आना, ये किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग? हाँ, इसीलिए कहता हूँ पढ़ना लिखना जरूरी है, तब जाकर आप बदलेंगे और देश को बदल पाएंगे। Is he the witness? Nonsense. Get out. क्या मालिक? जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। चलिए चलिए। भीमा, अंदर आइए, अंदर आकर बैठिए। ए शिवप्पा, हमारा तेरे घर के साथ रिश्ता बढ़ाने का मौका 15 साल पहले ही खत्म हो चुका है। बोलो। हाँ, 15 सालों से तुम हम लोगों से बदला लेते आए हो, अब हमारी मास्ती देवी पूरे जंगल से बदला लेना चाहती है। अब यहां कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा आग से, भयंकर आग से। इस जंगल की हर चीज जलकर खाक हो जाएगी, ऐसा उस साये ने कहा है। अभी भी वक्त है, सब लोग गुस्सा छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, हम सब मास्ती माँ का शांति पूजन करेंगे। हाँ,
और इस भीमा माँ की बातें श्राप नहीं बननी चाहिए। मान लो शिवप्पा, मान लो शिवप्पा, तुम मान लो, मानना ही चाहिए तुम्हें। हाँ, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो लो, मैं नहीं, तुम्हारे नहीं, पैर छूता हूँ शिवप्पा। रुकिए पापा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं बेटा। गुस्सा भूल जाने के लिए अगर पैर छूने की जरूरत है तो मैं पैर छूंगा। ए, तू पैर छुएगा, तेरा बाप पैर छुएगा, या किसी ने भी पैर छुआ तो समझो मैंने छुआ। भीमा जी, आप तो बिल्कुल पैर पड़ने की बात मत कीजिए। आप हमारे लिए माता हैं, इस पूरे जंगल की माता हैं आप। ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मास्ती देवी को शांत करने का काम शुरू किया जाए। मैं खुद आगे रहकर ये पूजा करवाऊंगा। अंधविश्वासी लोग हैं ये, देखो तो बिना नहाए धोए ये त्योहार मना रहे हैं। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, सिर्फ शरीर नहीं, भगवान सब सुनता है। चल चल आगे। जाने तू जहाँ भी मैं देखूं कण कण तू, जल में है तू, लब में है तू, जहाँ दृष्टि जाए सब में है तू। ममता का घर तू, कण करुणा तू, सृष्टि रचना तेरी जननी है तू। लोग जंगल में घुस आए हैं। शांति पूजन किया है ना? अरे रे रे, मतलब आस्ती माँ ने इस पूजा को स्वीकार नहीं किया? मुझे गांव में जाके ये बात सबको बतानी होगी। भीमा माँ, तेरी बात मैं कैसे मानूं? तुम उस मास्ती माँ की बात मानती हो तो मेरी भी मानो। ये क्या हो रहा है इसे भीमा माँ? बेटी बेटी क्या हो गया? इसे क्या हो गया तुम्हें? भीमा माँ, बेटी भीमा माँ, भीमा माँ, हमारे दिव्य प्रसाद को मास्ती माँ ने स्वीकार नहीं किया। हमने उस दिन जो चढ़ावा चढ़ाया था वो पानी से निकल के बाहर आ गया। हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई, नाश होगा, सर्वनाश होगा। Thank you.
किया है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है ताकि वो हमें ना देख सके, हमारी आवाज वो ना सुन पाए, इसलिए कान बंद किए हैं, वो हमसे बात ना कर सके, इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया है। हम सब लोगों को एक होकर लड़ना होगा। देवी माँ की वंदना इतना आसान काम नहीं है, उसकी वजह से मेरी तांत्रिक मंत्र शक्ति क्षीण हो सकती है। वहाँ की देवी मास्ती माँ को पानी में बंधक बना लिया है मैंने, वहाँ अब किसी भी तरह की दुष्ट शक्तियों का और भूत प्रेत का साया नहीं रह पाएगा। सुना है वहाँ किसी औरत के अंदर कोई आत्मा है जो हमारी बातों को लोगों तक फैला रही है। वो एरिया जिस ऑफिसर के अंडर में, उससे बोलिए कि वो उस औरत से पूछताछ करे, जो सच है वो बाहर आ जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है, एट एनी कॉस्ट हमारा ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए। कम ऑन, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, पीएचडी होल्डर हैं, फिर भी कह रही हैं कि आपकी बॉडी में भूत आता है, अजीब बात है। मुझे कुछ नहीं पता सर, सर सीरियसली मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये सब होने से पहले मुझे चक्कर आता है और फोर्सफुली कोई मेरी बॉडी में घुस रहा है ऐसी फीलिंग होती है सर। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता, जब मैं आंखें खोलती हूँ तो लोगों से घिरी रहती हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता सर। इस गांव की भलाई के लिए हमें हमारी माँ को इस बंधन से मुक्त कराना ही होगा। क्या हुआ है? ठीक है, तो आप क्या करें? आज के बाद पानी में उतरने वाले किसी इंसान को मेरे साथ पूजा में बैठना होगा, मेरे मंत्र से बांधे हुए पत्थर को पानी में उतरकर देवी के चरणों पर रखे तो बंधन खुलेगा, आंखें खुलेंगी, कान खुल जाएंगे। ऐसा ही करो, शुद्र शक्ति हाथ में रहेगी तो जान भी जा सकती है, जान की कुर्बानी कौन देगा, कौन ये काम करेगा? मैं करूंगा। अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारे मामा पानी के अंदर गए हैं इसलिए। ये लो खिलौना, खेलती रहो, मामा अभी बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा? कितने अच्छे हो तुम, बहुत प्यारे हो। जो जो लोरी मैं गाऊंगी उसे सुनकर तुम सो जाओगे।
सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? मास्ती। पापा, पापा क्या हुआ? क्या हुआ पापा? मेरी नातिन। नातिन? चली गई। हमेशा के लिए चली गई। अब कभी नहीं आएगी मास्ती। ये देखो। क्या हो गया मास्ती भाई? पापा, अपने बच्चे, बच्चे कहाँ चले गए? मेरी बच्ची को किसने मारा है? किसने किया ऐसा? भाई, 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 बोल किसने मारा? भाई, वो खिलौने बेचने वाला नहीं, बच्ची के हाथ में खिलौना देकर चला गया। Is he the witness? आपकी इसी बात पर मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाऊं? बच्ची मर गई। अभी तुम्हारी बहुत उम्र है, तुम एक और शादी कर लो। मछली पकड़ने वाले ने लगता है कि मछली पकड़ने के बैंबू में डायनामाइट रखा था और वो ब्लास्ट हो गया, बच्ची मर गई। इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूं, रास्ता छोड़ दो नहीं तो गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। सुन, ये सब करने के पीछे तेरा ही हाथ है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अपने लोगों के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। उस बच्ची को किसने मारा? बता, किसने मारा उस बच्ची को? किसने? बोल, बच्ची को किसने मारा? किसने मारा मेरी बच्ची को? बोल। तुम बस 5 मिनट रिलैक्स होकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और इसके लिए वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। योर वाइफ एंड डॉटर आर सेफ विद अस। एक्सक्यूज मी सर, हेलो मिस्टर आरएफओ, योर वाइफ एंड डॉटर आर सेफ विद अस। तुम हमारे ऑपरेशन में सपोर्ट नहीं करोगे तो जो होने वाला है वो टेलीग्राम में लिख दिया है मैंने। ये चेस का खेल है, फैसला तुम्हारा होगा और खेल मेरा होगा। रिलैक्स। मेरी बीवी और बच्चे को एक ट्रेन में रखा है उन्होंने, अगर मैंने उन लोगों की मदद नहीं की तो वो लोग इस ट्रेन में ब्लास्ट कर देंगे। तुम और तुम्हारे लोग मेरी मदद करेंगे
तो इन सबको बचा सकते हैं। किसी भी वजह से सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को या हमारे डिपार्टमेंट को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। बहुत होशियारी से हमें यह काम करना होगा। देखो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, उनका सारा ध्यान तुम पर है। अगर तुम ऐसा कुछ कर सको कि वो तुम्हें पहचान ना पाए तो अच्छा रहेगा। इस ट्रेन को 80 करी और आसन के बीच ही कहीं फॉरेस्ट में रुकवाना होगा। ऐसा हुआ तो कोचेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाएगा, तभी अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। मुझे छोड़ दो बेटा। बेटा कहाँ है बाकी के लोग, बोल कहाँ है? मस्ती गुड़ी के पास वो लोग जमीन के अंदर छुप कर बैठे हैं। मेरी बच्ची को किसने मारा? मुझे पैसों का लालच दिया तो ये पाप मैंने ही कर दिया। गलती की, इतने दिनों तक इस राज को छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। छे और कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस। मास्तिमा का बंधन छूट गया है, कोई भी भूल हुई तो हमारी जान को खतरा है। अभी ऑपरेशन बहुत मुश्किल लग रहा है। कितनी भी मुश्किलें आने दो, कुछ भी होने दो, ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। मैं आगे कदम रखूंगा, पीछे चलने की मेरी आदत नहीं है।
उस शेर का शिकार करने वाले गैंग का अंत हुआ। अरमास्ती को कैद करके जेल में डाल दिया गया। शेर का शिकार करना रुकना चाहिए, वरना कुछ समय बाद ये भूमि मरुस्थल बन जाएगी। गांव, जंगल, जेल, कहीं भी रहूंगा, मेरा एक ही काम है, शेर का शिकार करने वालों का सर काटना और उनका खून पीना। पीऊंगा, पीता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और कोर्ट ने उसने जितने भी खून किए थे वो समाज की भलाई के लिए किए थे ऐसा कंसिडर करके उसकी सजा कम कर दी और उसे जेल से रिहा कर दिया। दोस्तों, रियली हैट्स ऑफ टू हिम। अब क्या कर रहे हैं वो? अभी भी वो जंगल की रखवाली कर रहा है, क्योंकि उन जंगलों में उसकी जान बसती है।